नमस्कार साथियों, मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्यारे से मंच पर जिसका नाम है डीजेसर क्लासेस। दोस्तों, अपन सीख रहे थे रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर अपन ने कई सारे टॉपिक्स दोस्तों कवर कर लिए हैं और आज कवर करने वाले हैं कोई नया टॉपिक। रीजनिंग के अंदर आज कवर करने वाले हैं कोई नया टॉपिक अपन कवर करेंगे। और नया टॉपिक कवर करने से पहले या नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरी पिछली क्लासेस की वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, तो प्लीज़ उन वीडियोस को आप जाके यूट्यूब चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। और ऐप पर पढ़ने वाले मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं वो भी पिछली जो मेरी क्लासेस की वीडियोज़ थी उनको जाकर विजिट कर सकते हैं। और अगर आप कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी, और तैयारी में कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा अपने को और इस पर मेहनत करने की ज़रूरत है, तो आप मेहनत कहाँ से कर सकते हैं? आप डीजे सर क्लासेस ऐप पर जाइए, वहाँ से स्टोर पर जाना है। स्टोर पर जाने के बाद आपको टेस्ट वन सब्सक्राइब करना है दोस्तों। टेस्ट वन सब्सक्राइब करने से होगा क्या, आपकी तैयारी जो होगी वो स्ट्रॉन्ग होने वाली है दोस्तों। ये तो हो गई सारी बातें अपनी सिलेबस या क्लास से रिगार्डिंग, मैंने आपको सारी नॉलेज दे दी है। उसके बाद शुरुआत करते हैं कि सर आज पढ़ने क्या वाले हैं। आज पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम रहने वाला है सिलोज्म। सिलोज्म यानी कि न्याय वाक्य, इसको हिंदी में बोला जाता है। इसके इस टॉपिक से अगर मैं बात करूँ, हर एक एग्ज़ाम के अंदर, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एनटीपीसी, चाहे ग्रुप डी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के कोई से भी एग्ज़ाम देख लो, इस पर्टिकुलर टॉपिक से दो या तीन क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं दोस्तों। और क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, देखो क्या रहने वाला है, किस प्रकार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो आइएगा शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक रहने वाला है सिलोज्म। सिलोज्म को हिंदी में बोला जाता है न्याय वाक्य। सिलोज्म को हिंदी में क्या बोला जाता है? न्याय वाक्य। दोस्तों शुरुआत करते हैं सिलोज्म की। इसके अंदर पर्टिकुलर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे आइएगा। सिलोज्म न्याय वाक्य। दोस्तों इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो किस प्रकार से रहने वाला है आपका। आपने जब वेन डायग्राम या लॉजिकल वेन डायग्राम किया था, मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें आपने देखा होगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन से आते हैं कि किस प्रकार इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए आइएगा, इसमें जो आंसर करने का तरीका होगा, एक तो आपको क्या होगा, स्टेटमेंट मिलेगा। स्टेटमेंट के रिगार्डिंग आपको क्या मिलेंगे, निष्कर्ष मिलेंगे दोस्तों। तो आइएगा इस प्रकार क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इसकी क्वेश्चन है अपना, सबसे पहले आपको मिलेंगे कथन। पहला कथन है सभी शेर हाथी हैं। सभी शेर हाथी हैं, सभी बंदर शेर हैं। दूसरा कथन क्या है, सभी शेर बंदर हैं। अब आइएगा इसके निष्कर्ष निकालते हैं। इसमें पहला निष्कर्ष क्या है, पहला निष्कर्ष है सभी हाथी बंदर हैं, दूसरा निष्कर्ष है सभी शेर हाथी हैं, तीसरा निष्कर्ष है, चलो दो ही करते हैं अभी, फिर तीसरे पे आएंगे। अब आगे देखते हैं इसमें कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है दोस्तों। देखिएगा, जब अपने को दो कथन दिए जाएं और उनसे रिगार्डिंग कुछ निष्कर्ष दिए जाएं, तो इनको आंसर करने का जो तरीका रहने वाला है, किस प्रकार से रहने वाला है उसको देखिएगा। अपने को जो आंसर करना है, पहला आंसर करना है अपने को, ए आंसर करना है, ए आंसर करना है आपको,
यदि फर्स्ट निष्कर्ष फर्स्ट फॉलो करें तो ए आंसर करना है, बी आंसर आप कब करेंगे यदि सेकंड फॉलो हो, सी आंसर करेंगे यदि फर्स्ट व सेकंड दोनों फॉलो करें, और डी आंसर कब करेंगे आप फर्स्ट व सेकंड दोनों फॉलो नहीं करें। साथियों ये इसके आंसर करने के तरीके रहने वाले हैं ए बी सी डी। देखिएगा पहले तो इनको बनाते हैं, पहले तो इनके डायग्राम बनाते हैं कि आपको दिया क्या है। पहले क्वेश्चन में पहले ही कथन में आपको दिया गया है सभी शेर हाथी हैं। क्या है सभी शेर हाथी हैं? दोस्तों एक और ऑप्शन होता है इसका ई ऑप्शन। ई ऑप्शन क्या होता है? या तो फर्स्ट या सेकंड फॉलो करता है। इस सिलोज में के अंदर दोस्तों ये वाला जो टॉपिक काउंट किया जाता है लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ये काउंट किए जाते हैं। ऐसे चार पांच टॉपिक हैं सिलोज में है, लॉजिकल रीजनिंग है, अपना जो स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन है, कोर्स ऑफ एक्शन है, रीजन एंड कोर्स है, कोर्स ऑफ एक्शन है। ये सारे चार पांच टॉपिक में जो आपको नाम ले रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, ये सारे के सारे टॉपिक अपने काउंट किए जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग के अंदर काउंट किए जाते हैं। चलो आगे चलते हैं, फिर इसको बनाएंगे कैसे? इसमें कथन से अपने को क्या बनाना है? सभी शेर हाथी हैं और सभी शेर बंदर हैं, ये है। तो सभी शेर क्या हैं? हाथी हैं। सभी शेर हाथी हैं और सभी शेर क्या है? सभी शेर बंदर हैं। सभी शेर बंदर हैं यानी जितने भी बंदर आएंगे वो किसके अंदर आएंगे? जितने भी बंदर आएंगे किसके अंदर आएंगे? शेर के अंदर आएंगे। शेर के अंदर आएंगे तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनाया जा सकता है, कुछ इस प्रकार बनाया जा सकता है। दोनों ही डायग्राम इसके पॉसिबल हैं साथियों। सभी शेर हाथी हैं, सभी शेर बंदर हैं, ये वाला क्या है अपना? बंदर हैं। उसके बाद निष्कर्ष पे आते हैं। सभी हाथी बंदर हैं क्या कर रहे हैं अपन? बाहर से अंदर आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाहर से अंदर आ रहे हैं। तो ये वाला अपना क्या होगा? सही नहीं होगा। दूसरा है सभी शेर हाथी हैं। देखिएगा ये वाला और ये वाला, ये क्या होगा साथियों? ये सही होगा क्योंकि ये तो आपको पहले से ही गिवन है। तो इसका कौन सा निष्कर्ष आपका फॉलो करेगा? इसका निष्कर्ष आपका जो फॉलो करेगा वो करेगा सेकंड। कौन सा करेगा? सेकंड। इसमें जो अप्लाई होगा वो सेकंड वाला सही होगा, क्लियर? फर्स्ट वाला सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके लिए एक नोट लगा लीजिए, सबसे पहले नोट लगाएंगे आइदर और कब बनेगा, ये भी अपन क्वेश्चन करेंगे। देखो नोट लगा के लिखिएगा, यदि डायग्राम में अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो, यदि डायग्राम में अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो सभी ओर
कुछ वाली स्थिति को सभी और कुछ वाली स्थिति को सही माना जाता है साथियों, सही माना जाता है। ये नोट नंबर वन है। नोट नंबर टू क्या है? यदि डायग्राम में बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो केवल बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो केवल कुछ वाली स्थिति को ही सही माना जाता है। अगर आप सिलोज में पढ़ रहे हैं तो सिलोज में पढ़ने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आप सिलोज्म का डायग्राम बना रहे हैं तो सिलोज्म का डायग्राम बनाते समय क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन पर्टिकुलर इसके अंदर दो तीन नोट्स ऐसे हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर आपको ये अच्छे से लर्न होंगे तो सिलोज्म का कोई सा भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा दोस्तों, आपका 101% बिल्कुल सही जाएगा। पहला नोट मैंने लिखा है, यदि डायग्राम में अंदर से बाहर की ओर जाते हैं, इट मीन्स ये कोई अगर आपका डायग्राम है इसमें अंदर से बाहर जा रहे हैं तो सभी वाली स्थिति और कुछ वाली स्थिति दोनों ही क्या होती है, सही मानी जाती है। लेकिन अगर डायग्राम के अंदर बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं तो केवल और केवल कुछ वाली स्थिति को ही सही माना जाता है, इसमें सभी वाली स्थिति को सही नहीं माना जाता। ये दोनों पॉइंट यहां से आपको क्लियर होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, पॉसिबिलिटीज वाले क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। अभी इस पे और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, कथन है अगला, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कथन है सभी चाबी ताले हैं। पहला है सभी चाबी ताले हैं, ये पहला कथन है। दूसरा कथन है अपना, सभी ताले पेंच हैं, सभी ताले पेंच हैं। इसका निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष है पहला, इसका पहला निष्कर्ष है सभी पेंच चाबी है, सभी पेच चाबी है। दूसरा है कुछ ताले चाबी है। दोस्तों ये रहा आपका कथन और ये रहा आपका निष्कर्ष। इस कथन को पढ़िए और इस कथन को देखते हुए निष्कर्ष आपको निकालने हैं साथियों। तो सबसे पहले इसका तो डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने वाले हैं सभी चाबी ताले हैं, ये रही आपकी चाबी, सारी की किसके अंदर आएगी, ताले, यानी सभी चाबियां ताले हैं, सभी ताले पेच हैं, सभी ताले ये क्या है, पेच है। ये हो गया अपना डायग्राम। अब इस डायग्राम को देखते हुए अपने को इनका आंसर निकालना है। पहला निष्कर्ष है सभी पेच चाबी है, सभी पेच चाबी है, क्या ऐसा है, क्या सभी पेच चाबी है, सभी पेच चाबी है। क्या कर रहे हैं दोस्तों बताइए, बाहर से अंदर आ रहे हैं, अगर अंदर से बाहर जाते तो सही माना जाता, लेकिन बाहर से अंदर आ रहे हैं तो आप एक कैसे कह सकते हो कि बाहर वाली जो सारी की सारी चीज होगी वो अंदर वाली हो सकती है, नहीं, लेकिन अंदर वाली जो चीज होगी वो बाहर वाली तो सारी हो सकती है, लेकिन बाहर वाली चीज सारी की सारी बाहर वाली ऑब्जेक्ट्स अंदर वाली ऑब्जेक्ट्स नहीं हो सकती, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसी हो सकती है जो बाहर वाली अंदर वाली हो सकती है। लेकिन तो ये वाला निष्कर्ष तो गलत हो जाएगा, सभी पेच
चाबी बोला गया है, सभी पेच चाबी बोला गया है। आप क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर आप कर रहे हैं पेच से कहाँ जा रहे हैं, की ओर जा रहे हैं, पेच से की ओर जा रहे हैं, बाहर से अंदर जा रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। दूसरा स्टेटमेंट का निष्कर्ष देखिए, कुछ ताले चाबी हैं, कुछ ताले चाबी हैं, आप क्या कर रहे हैं, बाहर से अंदर आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाहर से अंदर आ रहे हैं। तो मैंने आपको अभी नोट लिखवाया था कि जब बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो केवल और केवल कुछ वाली स्थिति को ही सही माना जाता है साथियों, तो ये वाली निष्कर्ष क्या होगा अपना, सही होगा। तो इसका आंसर क्या करेंगे, ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो होगा इसमें, तो ये वाला इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ओनली सेकंड फॉलो। आगे देखिएगा, और भी क्वेश्चन है अपने पास, बहुत सारे क्वेश्चन है इस चैप्टर से जो अपन यहाँ पर कर सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए ये दो स्टेटमेंट, अगर आपने नोट अगर आपने लिखे होंगे तो आप सिलोज मगा कोई सा भी क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं। आगे देखिएगा, कथन है पहला, कोई कैमरा पत्रिका नहीं है, कोई कैमरा पत्रिका नहीं है, कुछ केप पत्रिका है, कुछ केप पत्रिका है, ये तो हो गया कथन। अब देखते हैं इनके निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष देखते हैं, कोई पत्रिका केप नहीं है, कोई पत्रिका केप नहीं है। दूसरा निष्कर्ष है, सभी केप कैमरा है, ये दो निष्कर्ष हैं आपके पास। इन दोनों निष्कर्ष को देखते हुए या कथन को यूज करते हुए इन निष्कर्ष को देखना है और अपना आंसर निकालना है। चलो इसका आंसर करते हैं, क्या इसका आंसर होगा, कोई कैमरा पत्रिका नहीं है, तो कोई कैमरा पत्रिका, ये है कैमरा और ये है पत्रिका, नहीं है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। कुछ केप पत्रिका है, कुछ केप पत्रिका है, कुछ केप पत्रिका है, ये डायग्राम भी बनाया जा सकता है, और बताओ कौन सा डायग्राम बनाया जा सकता है, यह है अपना कैमरा, यह है अपनी पत्रिका और कुछ केप, यह है केप, ये वाला डायग्राम भी पॉसिबल है, तो और करके ये वाला डायग्राम भी बना लेना, भाई बनाने वाला ये वाला डायग्राम भी बना सकता है, ये वाला डायग्राम भी बना सकता है, दोनों डायग्राम पॉसिबल हैं। बट फिर एक डाउट आता है स्टूडेंट्स के दिमाग में यहाँ पर कि सर दो डायग्राम पॉसिबल है तो हम कैसे याद रखें कि कितने डायग्राम बनेंगे। आपको कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है साथियों, आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है दिया गया निष्कर्ष क्या ऑल पॉसिबल डायग्राम में पॉसिबल है, जितने डायग्राम अपने पास बन रहे हैं क्या सारे डायग्राम जो बन रहे हैं उनमें निष्कर्ष पॉसिबल है। अगर निष्कर्ष पॉसिबल है, सारे डायग्राम की बात कर रहा हूँ, अगर किसी एक डायग्राम में भी निष्कर्ष फॉलो नहीं होगा तो ओवरऑल उस निष्कर्ष को
कंसिडर नहीं किया जाएगा साथियों। लेकिन अगर वो पॉसिबल डायग्राम के अंदर वो निष्कर्ष अपना काउंट हो रहा है, सभी डायग्राम के अंदर वो निष्कर्ष शामिल हो रहा है या वो निष्कर्ष आ रहा है कि एक पर्टिकुलर निष्कर्ष सारे डायग्राम में फॉलो हो रहा है, तो ओवरऑल उस निष्कर्ष को क्या करेंगे साथियों, कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर एक भी डायग्राम के अंदर वो निष्कर्ष मिस हुआ तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, वही यहाँ करने वाले हैं। दो पॉसिबल डायग्राम हैं, हो सकता है दो से भी ज़्यादा डायग्राम बन जाए, तो निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, कोई पत्रिका केप नहीं है, कोई पत्रिका केप नहीं है, यहाँ तो है, यहाँ तो कोई पत्रिका केप नहीं, यहाँ तो है, तो यानी कि ये वाला तो फॉलो नहीं करेगा। सभी केप कैमरा है, सभी केप कैमरा है, क्या कैमरा और केप में कोई रिलेशन है पहले वाले डायग्राम में? नहीं है। क्या दूसरे वाले डायग्राम में रिलेशन है? जी हाँ, दूसरे वाले में है, इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें रिलेशन है, तो यानी कि पहले वाले में नहीं है, दूसरे वाले में है। तो अगर ये निष्कर्ष फॉलो होता तो पहले वाले में भी फॉलो होता, लेकिन पहले वाले में फॉलो नहीं है तो सेकंड वाले में कैसे कंसिडर कर लेंगे, इसलिए ये वाला निष्कर्ष कंसिडर नहीं किया जाएगा, सेकंड वाला निष्कर्ष। तो ओवरऑल मिला के इसमें दोनों ही निष्कर्ष गलत हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दोनों फॉलो नहीं करेंगे, दोनों फॉलो नहीं करेंगे, फॉलो का मतलब दोनों निष्कर्ष अप्लाई नहीं होंगे साथियों। आगे देखते हैं, अगला वाला कीजिए, सभी पेड़ फल हैं, सभी फल जड़ हैं, सभी पेड़ फल हैं, और दूसरा है सभी फल जड़ हैं, सभी फल जड़ हैं, इसके निष्कर्ष देखिएगा। पहला निष्कर्ष, सभी फल जड़ है, सभी फल जड़ हैं। दूसरा निष्कर्ष देखिएगा, कुछ जड़ पेड़ हैं, कुछ जड़ पेड़ हैं। तीसरा निष्कर्ष है, कुछ फल पेड़ हैं, और फोर्थ निष्कर्ष देखिएगा साथियों, सभी पेड़ जड़ हैं, सभी पेड़ जड़ हैं। ये चार निष्कर्ष हैं जो आपको दिए गए हैं, इन चारों निष्कर्ष को देखते हुए अपने को देखना है कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर फॉलो करने वाला है साथियों। चलिएगा, आइएगा बनाते हैं। सभी पेड़ फल हैं, सभी पेड़ फल हैं, सभी पेड़ फल हैं, सभी फल जड़ हैं, सभी फल जड़ हैं। ये आपका डायग्राम बन चुका है साथियों। अब निष्कर्ष को देखते हैं। पहला निष्कर्ष है, सभी फल जड़ हैं, सभी फल जड़ हैं, क्या फॉलो हो रहा है, सभी फल जड़ हैं? बिल्कुल जी हाँ, हो रहा है। पहला वाला चलेगा, कुछ जड़ पेड़ हैं,
कुछ जड़ पेड़ हैं बाहर से अंदर आ रहे हैं, बाहर से अंदर आ रहे हैं, तो कुछ वाली स्थिति सही होती है। कुछ फल पेड़ हैं, कुछ फल पेड़ हैं, बिल्कुल जी सही है। और सभी पेड़ जड़ हैं, सभी पेड़ जड़ हैं, ये भी सही होगा। तो क्या होगा, सभी फॉलो करेंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संभावना वाले प्रश्न देख लेते हैं। संभावना वाले प्रश्न किस प्रकार से हल करने हैं आपको, तो नोट लगा के लिखिएगा, नोट लगा के। सम भावना वाले प्रश्न में बाहर से अंदर आते हैं तो, संभावना वाले प्रश्न में बाहर से अंदर आते हैं तो सभी व कुछ वाली स्थिति दोनों को सही माना जाता है। ये एक नोट है, इसको आप प्लीज़ नोट डाउन कर सकते हैं कि संभावना वाले प्रश्न में अगर आपको कोई क्वेश्चन बनाना है तो जब नॉर्मल क्वेश्चन था अपना, उसमें बाहर से अपन अंदर आ रहे थे, उसमें ऑल वाले कंडीशन को अपन फॉल्स बता रहे थे, लेकिन अगर आपका प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटीज़ का कोई क्वेश्चन है उसमें आप बाहर से जब अंदर आते हैं तो उसमें संभावना वाले में प्रश्न में सभी वाले स्थिति को भी क्या मानेंगे, बिल्कुल सही मानेंगे। दोस्तों चलिएगा इस पर कुछ क्वेश्चन कर लिए जाए। जैसे कि कथन है अपना, पहला कथन है अपना, कुछ पेड़ झाड़ियां हैं कुछ पेड़ झाड़ियां हैं दूसरा कथन है, सभी फूल झाड़ियां हैं, सभी फूल झाड़ियां हैं, तो पहला निष्कर्ष है, निष्कर्ष पहला, कुछ फूल पेड़ हो सकते हैं पहला, दूसरा सभी झाड़ियों के फूल होने की संभावना है, सभी झाड़ियों के फूल होने की
संभावना है। ये दोनों निष्कर्ष हैं, अभी फिलहाल ये दोनों निष्कर्ष अपने अपने को इनको बनाना है कि किस प्रकार से ये बनाए जाएंगे। देखिएगा, कुछ पेड़ झाड़ियां हैं, तो कुछ पेड़ झाड़ियां हैं, ये हो गया पेड़ और ये हो गई झाड़ियां। सभी फूल झाड़ियां हैं, सभी फूल क्या है, झाड़ियां हैं, तो सारे फूल किसके अंदर आएंगे, झाड़ियों के अंदर आएंगे। तो इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ये हो गया पेड़ और ये हो गई झाड़ियां। सभी फूल झाड़ियां हैं, तो सभी फूल किसके अंदर आएंगे, झाड़ियों के अंदर आएंगे। ये हो गया आपका पॉसिबल डायग्राम। क्या वो डायग्राम पॉसिबल है? जी हाँ, पॉसिबल है। और लगा के एक और डायग्राम इसका बनाया जा सकता है। ये वाला डायग्राम भी इसका पॉसिबल है, जिसमें ये आपका पेड़ हो जाएगा, ये इसमें आपकी झाड़ियां और ये आपके फूल। निष्कर्ष पे आते हैं, कुछ फूल पेड़ हो सकते हैं, कुछ फूल पेड़ हो सकते हैं, देखते हैं कुछ फूल पेड़ हो सकते हैं, इसमें तो नहीं है, इसमें है। अब संभावना वाले प्रश्न में आपसे बोला गया है हो सकते हैं, ये भी क्या पूछा जा रहा है आपसे, संभावना पूछी जा रही है, पॉसिबिलिटीज पूछी जा रही है, तो पॉसिबिलिटीज पूछी जा रही है ना, तो इसमें अगर आपका किसी एक डायग्राम के अंदर भी वो पॉसिबल हुआ, किसी एक डायग्राम के अंदर भी वो निष्कर्ष फॉलो हुआ, तो ओवरऑल मिला के उस निष्कर्ष को क्या किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। तो पहला वाला निष्कर्ष कंसिडर करेंगे, जी हाँ कुछ फूल पेड़ हो सकते हैं, कुछ फूल पेड़ हो सकते हैं, कुछ फूल पेड़ हो सकते हैं। अगला निष्कर्ष देखिए, यहाँ नहीं है, यहाँ है। दूसरा देखिए, सभी झाड़ियों के फूल होने की संभावना है, सभी झाड़ियों के फूल होने की संभावना है, सभी झाड़ियों के फूल होने की संभावना है। जी हाँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको नोट लिखवाया था, उसमें क्या लिखवाया था, मैंने लिखवाया था कि संभावना वाले प्रश्न में अगर सिलोज्म के डायग्राम के अंदर बाहर से अंदर आ रहे हैं, तो उसके अंदर ऑल वाली और सम वाली कंडीशन को क्या लिया जाता है, बिल्कुल सही लिया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ये भी सही होगा। तो संभावना वाले प्रश्न में आपने देखा किस प्रकार से अपना आंसर चेंज हो रहा है साथियों, किस प्रकार से अपना आंसर चेंज हो रहा है। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो ये तो फर्स्ट वाला तो फॉलो नहीं होता, सेकंड वाला भी फॉलो नहीं होता, लेकिन अगर संभावना दी गई है तो इसके अंदर दोनों ही निष्कर्ष को क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट व सेकंड दोनों फॉलो होंगे साथियों। तो इस प्रकार से आज आपने सीखा कि सिलोज्म के अंदर किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और क्वेश्चन एग्जाम में कैसे देखने को मिलेंगे आपको। क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा, आंसर ऐसे ही करने हैं, शर्त यह है कि वहाँ कथन चेंज हो जाएगा और निष्कर्ष चेंज हो जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है, जो आपको तीन नोट लिखवाए गए हैं उन तीनों नोट का यूज करते हुए आप सारे सिलोज्म के क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं साथियों। ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि तीनों नोट का यूज करते हुए आप सिलोज्म का कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपके पास आ रहा है तो आप उसको इजीली बना सकते हैं। तो ये तो बात हुई साथियों आज के सेशन की। आज के सेशन में आपने सीखा कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिलोज्म से, और हर एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। यूट्यूब चैनल पर जाकर आप डीजे सर क्लासेस कोटा के नाम से सर्च करेंगे, उस चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। और ऐप पर पढ़ रहे मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं, अगर वो भी अपनी तैयारी में और अच्छी परफेक्टनेस लाना चाहते हैं तो उसके लिए उनको करना क्या होगा, उसके लिए उनको टेस्ट वन सब्सक्राइब करना होगा साथियों। टेस्ट वन सब्सक्राइब करने से आपकी जो कमियां हैं या टेस्ट में जो कम नंबर आ रहे हैं आपके, वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होगी। तो आई होप ये थी आज की क्लास,
मिलेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, लेकिन क्लास को ख़त्म करने से पहले जो आज का जो मोटिवेशनल कोट रहने वाला है साथियों, वो रहने वाला है अपना उड़ान तो भरना है साथियों, चाहे कितनी बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है तो चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। तो ये था आज का मोटिवेशनल कोट, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं इसी के साथ प्यारे से सेशन में। नेक्स्ट क्लास जो होगी किसी नए चैप्टर की होगी, किसी नए अध्याय की होगी। तब तक के लिए सी यू, बाय।